नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है हॉलीवुड की धमाकेदार मूवी लेकर जिसका नाम है द लॉस्ट पिरामिड। फिल्म इसके कायरा में शुरू होती है जिसमें सड़क पर प्रोटेस्ट करती हुई लोगों की भीड़ दिखाई देती है। एक प्रस्तावना में कहा गया है कि अमेरिकी पुरातन विभाग की एक टीम ने रेगिस्तान के नीचे गहरे दबे हुए एक नए पिरामिड का पता लगाया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पिरामिड स्थापित है और इसे खोदने से भयानक आपदाएं आएंगी। अराजकता के बीच एक न्यूज रिपोर्टर टीम मिस्र के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक को फिल्माने के लिए आता है। साइट पर पहुंचते ही एक समाचार रिपोर्टर सन्नी और उसके कैमरामैन जी खोज पर रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। वे फुटेज दिखाते हैं पिरामिड की। इसकी अजीब बनावट पर जोर देते हुए कहते हैं, गीजा की परंपराओं में चार भुजाओं के पिरामिड हैं। इसके विपरीत यह पिरामिड तीन भुजाओं के साथ अलग दिखता है। सुन्नी कहती है कि डॉक्टर माइल्स होल्डन और उनकी बेटी नोरा पुरातन विभाग की एक ऐसी जोड़ी है जिनमें अपनी अद्भुत खोज के साथ इतिहास को फिर से लिखने की क्षमता है। जैसे ही सुन्नी इस अनोखे पिरामिड की विशेषता को समझाती है, कुत्तों के भौंकने से वह लगातार बाधित होती है। बाद में वह डॉक्टर माइल्स होल्डन से मिलती है और उनकी खोज की विशेषताओं के बारे में सवाल करती है। माइल्स बताते हैं कि कुछ निश्चित चीजें हैं। प्राचीन ग्रंथों में अखेनातेन के खोए हुए पिरामिड के लिए कुछ स्थानों के रूप में भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख है। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके द्वारा खोजे गए पिरामिड की तीन साइड का होना वास्तुकला से संबंधित हो सकता है। इसके बाद चालक टीम नोरा के पास जाती है जो कैमरे पर स्पष्ट करती है कि तीन साइड का पिरामिड राजा अखेनातेन का पिरामिड नहीं है। वह आगे कहती है कि जिस संरचना से उनका सामना हुआ है वह सतह के नीचे दबी हुई है। वह बताती है कि रेत को इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में हजारों वर्षों का समय है, जिसका मतलब है कि पिरामिड की संरचना अखेनातेन के शासन काल से पहले की है। जब सुन्नी नोरा से पिरामिड की खोज में सैटेलाइट का उपयोग करने को कहती है तो नोरा उसे बताती है कि पुरातन विभाग के कई वैज्ञानिक नए तरीकों को अपनाने या पारंपरिक तरीकों को छोड़ने का विरोध करते हैं। बाद में माइल्स और नोरा ने सुन्नी को पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले सैटेलाइट के बारे में बताया और उसे वह जगह भी दिखाई जहां पिरामिड है। उन्होंने पिरामिड में अपना रास्ता बनाने के लिए एक सुरंग का पता लगा लिया है जो सीधे उसके एंड तक जाती है। जब सुन्नी ने सैटेलाइट के बारे में और पूछा तो नोरा उसे बताती है कि उसका नाम सेटी, पूरा नाम सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। सुन्नी फिर पूछती है, क्या एलियंस पृथ्वी पर आने के लिए पिरामिड का उपयोग करते थे? लेकिन नोरा यह कहते हुए मना कर देती है कि वह ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती है। अपनी बातचीत के दौरान माइल्स ने सुन्नी को सैटेलाइट पर चर्चा करने से दूर रखने की कोशिश की और उन्हें पुरातत्व पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। सुन्नी कहती है कि सैटेलाइट पहलू महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुरातत्व में एक नए युग की शुरुआत करता है। यह बात माइल्स परेशान करती है क्योंकि उनका मानना है कि नए उपकरणों के बीच पुराने तरीके खत्म हो रहे हैं। बाद में शाम को नोरा अपनी मां के साथ फोन कॉल पर बात करती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि वह पूरे मिशन में सुरक्षित रहेगी। तभी उसे सॉर्टी नाम का एक दूर से चलने वाला रोवर दिखाई देता है जिसे उसके प्रेमी और साथी टीम के लोगों ने रोबोटिक्स इंजीनियर द्वारा डिजाइन कराया होता है। यह पता चलता है कि सॉर्टी को नासा द्वारा मंगल रोवर्स के लिए बनाया गया था जो उन्हें चुनौतीपूर्ण इलाकों में नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। यह रिकॉर्डिंग क्षमताओं से लैस है जो वीडियो और ऑडियो दोनों डेटा कैप्चर करता है। पिरामिड के अंदर एक बार सॉर्टी फुटेज को कमांड सेंटर में दिखाएगा जो मिशन को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अगले दिन खुदाई करने वाले मजदूर ने माइल्स को सूचित किया कि उन्हें पिरामिड के अंदर अपना रास्ता मिल गया है। यह सुनकर माइल्स की टीम सुन्नी और उसके समाचार रिपोर्टिंग टीम के साथ सुरंग की ओर दौड़ पड़ी। आखिरी पत्थर को हटाने पर अचानक एक विस्फोट होता है जिससे कवक के साथ एक मिश्रित जहरीली गैस निकलती है जो आसपास के क्षेत्र को घेर लेती है। टीम के सदस्यों में से एक जो इस हवा में सांस लेता है उसे घबराहट होने लगती है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उसकी ज्यादा हालत खराब होने से पहले डॉक्टर पहुंच जाते हैं और उसे बचाते हैं। थोड़ी देर बाद माइल्स को उस मंत्रालय से एक संदेश मिलता है जिसमें खोज टीम को 24 घंटे के भीतर क्षेत्र खाली करने का निर्देश दिया जाता है। ये सब तबाही और फैली हिंसा के कारण होता है। काहिरा में विरोध प्रदर्शन क्योंकि वहां के लोग पिरामिडों में घुसपैठ करने वाले विदेशियों के खिलाफ है। इसके कारण माइल्स ने अपने मिशन को छोड़ने और अगली सुबह तक वहां से जाने का फैसला कर लिया। नोरा अपने पिता को मनाने की कोशिश करती है कि कम से कम सॉर्टी को पिरामिड में यह देखने के लिए भेजे कि वास्तव में क्या हो रहा है। कुछ देर विचार करने के बाद माइल्स अपनी इच्छा के बिना रोवर को पिरामिड के अंदर भेजने के लिए सहमत हो जाता है। हमें आगे दिखाया जाता है एक मिस्र का कारपोरन सदीद जो उनकी जांच करने के लिए आता है और टीम को जल्द से जल्द वहां से जाने का आदेश देता है। माइकल जो अरबी भाषा समझने वाला अकेला आदमी है अधिकारी को विश्वास दिलाता है कि वे अपने कार्य को पूरा करके जल्द ही वहां से चले जाएंगे। इसके बाद अंदर का नजारा देखने के लिए सॉर्टी को पिरामिड के अंदर भेजा जाता है। माइकल रोवर को नियंत्रित करता है और जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है उसे जहरीले धुएं के छोटे निशानों का पता चलता है। पिरामिड के भीतर की दीवारें उसी विष के निशान को दिखाती हैं। अचानक सॉर्टी पर एक रहस्यमयी चीज द्वारा हमला किया जाता है जो मॉनिटर के पीछे टीम को चौंका देता है। यह संदेह करते हुए कि यह पहने वाला वही कुत्ता हो सकता है, माइकल ने रोवर को अंदर जाने दिया। एक अचानक के घटनाक्रम में रोवर ऑफलाइन हो जाता है और माइकल सभी बाहरी नियंत्रण खो देता है।
जाता है। अपने मिशन के फेल होने के साथ माइल्स ने उन्हें घर लौटने का सुझाव दिया, लेकिन माइकल अपने $3 मिलियन के रोवर के बिना जाने से इनकार कर देता है। वह टीम से कहता है कि वे पिरामिड के अंदर से मेरे रोवर को निकालने में मेरी मदद करें, और यह भी बताता है कि यह नासा से उधार लिया गया है। माइल्स को इसके बारे में संदेह है, लेकिन टीम उसे मिशन के साथ आगे बढ़ने के लिए मना लेती है। सदीद उन्हें अपने रोवर को ढूंढने के लिए 2 घंटे का समय भी देता है। इसके बाद माइल्स, नोरा, माइकल, सुन्नी और फिटची पिरामिड में आगे बढ़ते हैं। अंदर जाने के बाद नोरा अपनी डायरी का लेखा जोखा करने के लिए अपना कैमरा निकालती है। माइल्स लगातार टीम को किसी भी चीज को छूने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि प्राचीन इमारतें बहुत कमजोर होती हैं जिनका किसी भी समय ढहने का खतरा होता है। थोड़ी देर बाद माइकल को अपने रोवर का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है, जिससे वह परेशान हो जाता है। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, नोरा को ऊपर की ओर जाने वाला एक छेद दिखता है और वो टीम से उसका पता लगाने का आग्रह करती है। ऊपर चढ़ने पर उन्हें अनेक चीजें और संरचनाएं दिखाई देती है, जो उन्हें और भी अधिक उत्सुक बनाता है। नोरा को सूखे खून से सना हुआ एक धातु का ढांचा भी मिलता है। चेतावनी का संकेत होने के बावजूद वह लापरवाही से आगे की जांच के लिए नमूना लेती है। उनके उतरने के दौरान माइल्स का सपोर्ट करने वाला तार अचानक टूट जाता है, जिसके कारण टीम को अपनी जान गंवानी पड़ती है। स्पष्ट रास्ते के बिना फंसे हुए वे लोग एक कमरे में घुसते हैं, जहां माइकल को अपने लापता रोवर का पता लगता है। कमरे का नाजुक फर्श उनके नीचे गिर जाता है, जिससे टीम एक गड्ढे में गिर जाती है। स्थिति को और खराब करने के लिए मलबे का एक बड़ा टुकड़ा माइकल पर गिर जाता है, जिससे उसका पैर कुचल जाता है और वह फंस जाता है। टीम उसे बाहर से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। उनके संघर्ष के बीच सुन्नी को एक छेद मिलता है, इसलिए वह मदद मांगने के लिए बाहर निकलने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगती है, अचानक एक कमजोर बिल्ली की तरह दिखने वाला जानवर उस पर हमला करता है, जो उसके चेहरे को खरोंच देता है, जिससे वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाती है। कुछ ही समय बाद माइल्स एक दरवाजे पर ठोकर खाता है और उसकी नक्काशी को पढ़ता है। उन्हें प्रवेश करने के खिलाफ चेतावनी देता है, फिर वह सुझाव देता है कि वे तब तक इंतजार करें जब तक सेना उनकी देखभाल के लिए नहीं आती है। नोरा इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि माइकल के पास ज्यादा समय नहीं है और वह कोई दूसरा रास्ता तलाशने का विकल्प चुनती है। उसे अकेला छोड़ने से पहले वह उसे एक मसाल देती है और उसे चूमती है। वापस लौटने का वादा भी करती है, लेकिन कुछ मिनट बाद टीम ने माइल्स की चीखें सुनी, जिससे माइल्स और नोरा उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। जब वे उस जगह पहुंचे, तो वे यह देखकर चौंक गए कि उसका कटा हुआ पैर एक चट्टान के नीचे दबा हुआ था। जमीन पर खून के धब्बे संकेत देते हैं कि उसे एक खदान में घसीटा गया था और कुछ लोगों ने उसे मार दिया था। यह दुखद घटना नोरा को तबाह कर देती है, लेकिन उसके पिता उसे टीम के साथ रहने और कोई रास्ता निकालने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। जैसे ही वे सुन्नी और फिटजी के साथ फिर से मिलते हैं, माइल्स सच्चाई छुपाते हैं और उन्हें बताते हैं कि माइकल ने कोशिश करते समय खुद को कुचल दिया था। टीम फिर सुरंग के माध्यम से अपना रास्ता जारी रखती है। तभी नोरा को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसकी सोच सही साबित होती है, क्योंकि जल्द ही प्राणियों के एक झुंड द्वारा उनका पीछा किया जाता है। घबराहट की स्थिति में वे अपनी गति तेज कर देते हैं और उनकी मुलाकात सदीद से होती है, जो उन्हें बचाने के लिए वहां मौजूद है। सैनिक छोटे जीवों को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन एक बड़े शिकारी द्वारा उस पर हमला किया जाता है, जो उसे खा जाता है। यह देखकर माइल्स तुरंत टीम की सभी लाइटें बंद कर देता है और एक कोने में चुपचाप छिप जाता है। इस समय के बाद फिटजी ने नोटिस किया कि सुन्नी के चेहरे के घाव संक्रमित हो रहे हैं और उसकी आंखें भी अच्छी नहीं दिख रही हैं। कुछ समय बाद टीम ने एक नक्काशीदार चित्र देखा, जो बुक ऑफ डेड के अंशों को दिखाता है। माइल्स बताते हैं कि यह अंतिम निर्णय की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है, जहां आत्माओं को मृत्यु के देवता अनुबिस द्वारा सत्य की देवी मार्ट द्वारा रखे गए बड़े पैमाने के खिलाफ तोला जाता है। यदि तराजू संतुलित होता है, तो आत्माएं अगले जीवन के लिए चली जाती है। इसके बाद टीम एक दूसरी सुरंग में घुसती है, जहां माइल्स अनजाने में रेत में दफन भूवी जाल को ट्रिगर करने वाले एक यंत्र को सक्रिय कर देता है। जैसे ही सुरंग रेत से भरना शुरू कर देती है, टीम खुद को बचाने के लिए तेजी से भागना शुरू कर देती है। जल्दी में सुन्नी एक गड्ढे में गिर जाती है और कई किलो से चिपक जाती है। अन्य लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दुखद रूप से अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देती है। वे सभी उसके मरने पर शोक मनाते हैं, लेकिन उन्हें भागने की तलाश जारी रखनी चाहिए। थोड़ी देर तक अज्ञात रूप से चलने के बाद वे मिलते हैं सॉर्टी के एक और गायब हिस्से से। फिटजी को पता चलता है कि इसके एंटीना को बाहरी दुनिया के साथ संचार स्थापित करने के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। वह अपने कैमरे के साथ रोवर को सरलता से फिर से जोड़ता है और इसे रिकॉर्ड करने के लिए तैयार करता है। फिर माइल्स एक वीडियो संदेश भेजता है, जिसमें वह बताता है कि मैं, मेरी बेटी और एक कैमरामैन पिरामिड में फंस गए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। इसके अलावा वह एक चेतावनी भी जारी करता है कि पिरामिड घातक प्राणियों से संक्रमित है, इसलिए जो कोई भी बचाव के लिए आने का फैसला करता है, उसे अपने साथ बंदूकें लानी होंगी। बाद में माइल्स को एक छुपे हुए दरवाजे का पता लगता है और वे इसे खोलने में सफल हो जाते हैं।
जाते हैं, जिससे दफनाने वाले रूम का रास्ता खुल जाता है। अंदर जाने पर उन्हें एक चौंकाने वाले हालातों का सामना करना पड़ता है। वहाँ कई मरे हुए लोगों के अवशेष होते हैं। जैसे ही टीम आए की खोज करती है, उन्हें 19वीं सदी के एक खोजकर्ता की लाश के साथ साथ उसकी एक डायरी भी मिलती है, जिसमें भागने के रास्तों का विवरण दिया गया है। इससे पहले कि वे जानकारी को पूरी तरह से पढ़ पाते, एक पंजे वाला हाथ अचानक माइल्स की छाती में घुस जाता है, जिससे उसका दिल फट जाता है। नोरा अपने पिता के लिए चिल्लाती है, लेकिन फिटजी उसे खींच लेता है और बचने के लिए वे वहां से भाग जाते हैं। उनकी किस्मत के लिए सबसे खराब दफन रूम उन्हें बंद कर देता है, उन्हें अंदर फंसा देता है। कोई रास्ता ना होने पर फिटजी डरने के बजाय घातक प्राणी का सामना करने का फैसला करता है। जैसे ही वह धीरे धीरे दफन रूम में लौटता है, वह देखता है कि माइल्स अभी भी जीवित है और बड़े पैमाने पर बंधा हुआ है। फिटजी ने इस दुखद दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया, क्योंकि वो जीव अगले जीवन के लिए माइल्स के दिन का वजन कर रहा था। उसे अशुद्ध पाते हुए जीव ने दिल को खा लिया, जिस कारण माइल्स की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिटजी नोरा के पास आता है और उसे कैद किया हुआ फुटेज दिखाता है। नोरा उस जीव की पहचान अनुविस के रूप में करती है, जो सियार और इंसान का एक मिश्रण है, जो अशुद्ध या दोषी लोगों के दिलों को खा जाता है। अनुविस के जाने के बाद फिटजी मरे हुए सैनिक से बंदूक लेने जाता है, जबकि नोरा अपने पिता के शरीर की एक झलक देखती है। कुछ देर बाद वह रूम में लिखे पाठों को देखती है और एक ऐतिहासिक कारण को समझती है। पिरामिड का निर्माण अनुविस को कैद करने के लिए किया गया था, जो स्वर्ण के अंतिम द्वार तक पहुंचने के लिए अपने पिता ओसीरिस के साथ दोबारा मिलना चाहता है। थोड़ी देर रूम के चारों ओर देखने पर दोनों को रस्सी की सीढ़ी वाला एक सॉफ्ट मिलता है और अनुमान लगाते हैं कि सैनिकों ने उस रास्ते से पिरामिड में प्रवेश किया होगा। बिना किसी देरी के नोरा रस्सी पर चढ़ना शुरू कर देती है और फिटजी भी उसका कहा मानता है। अचानक अनुविस उन पर घात लगाकर हमला कर देता है और फिर फिटजी को पकड़ लेता है। नोरा अपनी चढ़ाई जारी रखती है, लेकिन अनुविस भी उसके पीछे आता है। एक हताश चाल में वह भागती है और अनुविस को दूर धकेलने में सफल हो जाती है। वह इस मौके का उपयोग ऊपर पहुंचने के लिए करती है। वह लगभग सतह से बाहर आ चुकी होती है, लेकिन अनुविस एक बार फिर सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। जब नोरा को होश आता है तो वह खुद को दफन रूम में एक खंभे से बंधा हुआ पाती है। वह फिटजी को भी देखती है, जो मदद की गुहार लगा रहा है। अनुविस फिटजी का चेहरा मसल देता है। ये सब देखने के बाद भी नोरा समझदारी से काम लेती है। वह अपने हाथों में छुपे एक ब्लेड के उपयोग से अपने रस्सियों को काटना शुरू करती है। एक बार आजाद होने के बाद वह अनुविस की गर्दन काटने के लिए उसी ब्लेड का उपयोग करती है। जैसे ही अनुविस दर्द से चीखता है, खतरनाक बिल्लियों का एक झुंड उस पर हमला कर देता है। मौके का फायदा उठाकर नोरा भागने में सफल हो जाती है, लेकिन पिरामिड से बाहर निकलने से ठीक पहले उसकी मौत हो जाती है। जब वह जागती है तो वह एक युवा लड़के को अपना कैमरा पकड़े हुए देखती है। खरोंच और संक्रमण से पीड़ित होने पर नोरा लड़के से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अनुविस अंधेरे में प्रकट होता है और उन पर हमला करता है और फिल्म यही समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।